रात में अचानक विधायक अनुभव मुंजारे पहुंची अस्पताल, देखी व्यवस्था, मरीजों से की चर्चा। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में सांसद भारती पारदी का हुआ भव्य अभिनंदन। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने जटाशंकर महाविद्यालय का किया निरीक्षण। जिला अस्पताल में व्याप्त समस्याओं व अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन मिल रही शिकायतों के चलते बालाघाट क्षेत्रीय विधायक अनुभव मुंजारे ने शुक्रवार की रात करीब 10 बजे अचानक अस्पताल में पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से चर्चा कर अस्पताल से मिलने वाली सुविधाएं व समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन भी मौजूद रहे। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने पेयजल और पानी की समस्या बताई। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को लेकर समय पर डॉक्टर की मौजूद नहीं रहने की जानकारी दी, जिससे विधायक मुंजारे ने सीएस से इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने निर्देशित किया है। जिस तरह की शिकायत थी कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आई कि पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वाटर कूलिंग मशीनें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं, पानी का कोई उचित इंतजाम नहीं है, कहीं कहीं अस्पताल के कोने में या सीढ़ियों में गंदगी भी देखने में आई। तो हमारे साथ जो जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन है डॉक्टर निलय जैन, जिन्होंने अभी अभी सिविल सर्जन का पदभार आपने ग्रहण किया है, तो हम अपेक्षा करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर निलय जैन जी ने निरीक्षण किया अस्पताल का और जो जो खामियां हमने देखी उनका ध्यान हमने आकर्षित कराया और उनसे कहा है कि तत्काल में इन सारी अव्यवस्थाओं पर सुधार लाया जाए। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से पहली बार बालाघाट जिले से निर्वाचित महिला सांसद भारती पारदी का शनिवार को शहर के सिंधु भवन में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में भव्य अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जिले की जनता ने इतिहास रच दिया है, पहली बार जिले से महिला को सांसद चुनकर संसद में भेजा है। उन्होंने लोगों से जल संरक्षण करने और नदियों एवं जल स्रोतों को बचाने, हर व्यक्ति को एक पौधा लगाने का आह्वान किया है। इस दौरान नव निर्वाचित सांसद भारती पारदी ने कहा कि ये जीत भारती पारदी की नहीं बल्कि पूरे कार्यकर्ताओं व संगठन के पदाधिकारी व शीर्ष नेतृत्व की जीत है। मेरा सबसे पहला जो कार्य रहेगा इसे जिले में रेल के फेरे बनाने और के लिए, और जो हमारे यहाँ पर रहने वाले बच्चे का विद्या अध्ययन करने के लिए बड़े बड़े सिटियों में जाते हैं और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के लिए बहुत परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे प्राथमिकता पर आप सबके सहयोग से हम निवारण का प्रयास करेंगे। आज का दिन मेरे लिए सुखद दिन है। जब मैं बावनथड़ी उद्गम पर गया तो एक सतत और ताकतवर प्रवाह वहां पर हमको देखने के लिए, फिर मैं चंदन नदी पर गया तो हमने कहा ये 12 मासी एक सी धारा के साथ वो निकलती है। उसके बाद में मैं तीसरी नदी में गया, वो भी बालाघाट जिले की। ये भगवान की कृपा है कि अभी यहाँ पर जल के स्रोत दिख रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर मैं अनेक जगह गया हूँ जहाँ एक जल की बूंद नहीं। उदाहरण के लिए पेंच, कल मैं पेंच गया था, तवा में तो कुंड में पानी था लेकिन बहाव नहीं था, तवा का उद्गम भी छिंदवाड़ा में, लेकिन पेच के उद्गम पर तो एक बूंद पानी नहीं था। जो पेच को मैंने रात में पेच अभ्यारण्य में जल से भरपूर देखा, उसका उद्गम सूखा था क्योंकि वहां कोई वृक्ष नहीं था। हमारी कोशिश तो तीन ही है, उद्गम पर वृक्ष लगे, और हम ये कोशिश करें कि अगर 10,000-5,000 वृक्ष लगा कर जिंदा रख पाए तो शायद उद्गम फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मेहरा शनिवार को बालाघाट पहुंचे, या उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के साथ संक्षिप्त बैठक की। बैठक के दौरान जिले के भौगोलिक क्षेत्र और जिले की शिक्षा संस्थानों के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने नगर की शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में महाविद्यालय में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र बनाया जा सकता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कटंगी और बारह से भी जनपद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कटंगी जनपद में अम्मा माई स्थित चंदन नदी और बारह सिवनी में रमरमा में कास नदी के उद्गम स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुए। दोनों स्थलों पर उन्होंने सरपंच, पंच और ग्रामीण जनों से कहा कि जो भी पंचायतें पौधे मांगे उन्हें पौधे दिए जाएंगे, लेकिन पौधे जिंदा रखने की गारंटी उन्हें देनी होगी। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजरी बाजार में 12 जून की रात करीब 9:45 पर हुई चाकूबाजी के मामले में फरार दोनों आरोपी प्रिंस पिता शैलेंद्र यादव और स्वप्निल मस्कोले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के उपयोग में की गई चाकू और मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते वार्ड नंबर 19 निवासी प्रिंस यादव
व स्वप्निल ने मीत विसेन को जान लेने की नीयत से चाकू से गर्दन सहित कई जगहों पर प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज गोंदिया अस्पताल में चल रहा है।